नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे, आपका हमारे चैनल देखो भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं LIC की जीवन अक्षय पेंशन योजना। जीवन अक्षय पेंशन योजना LIC की ये छठवीं जीवन अक्षय पेंशन योजना है, जो सिंगल प्रीमियम जमा करके पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इसका टेबल नंबर है 189। जीवन अक्षय प्लान एक पेंशन प्लान है, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन पेंशन ले सकता है। इसमें मिनिमम एज होना चाहिए 30 वर्ष, और इसकी मैक्सिमम एज है 85 वर्ष, यानी 30 वर्ष वाला व्यक्ति ले सकता है, 85 वर्ष व्यक्ति वाला भी ले सकता है। एवं इसकी मैच्योरिटी एज 100 है, और अगर ये पूरे लाइफ टाइम के लिए होती है। दूसरा, इसका न्यूनतम कर मूल्य, यानी कि इसे कितने की ली जा सकती है। इसमें मिनिमम 1,00,000 रुपए की पॉलिसी पैसे जमा करके ली जा सकती है, और उसके बाद आप कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं, नो लिमिट है। पेंशन भुगतान के इसमें 4 विकल्प है। पेंशन भुगतान के लिए आप इसमें मासिक या महीने की चाय ले सकते हैं, 3 महीने में 1 बार ले सकते हैं, 6 महीने में 2 बार ले सकते हैं, वर्ष में भी 1 बार ले सकते हैं। पेंशन प्लान 10 विकल्पों में उपलब्ध है। ये पेंशन प्लान ABCDEFGHIJ तक के 10 प्लानों में उपलब्ध है। इसको लेने वाले के लिए कोई भी स्वास्थ्य परीक्षण नहीं देना होगा। विशेष परिस्थिति में ही इसे 1 वर्ष बाद सिर्फ 1F प्लान में अभिलंब मतलब वापस किया जा सकता है, अन्य किसी प्लान में वापस नहीं होता। दूसरी खासियत यह है कि पॉलिसी लेने के पश्चात तुरंत पेंशन आरंभ कर दी जाती है। जैसे आपने पॉलिसी आज ली, उसके तत्काल बाद से ही पेंशन चालू हो जाती है। और इसमें खासियत यह है कि बैंक की गति पर ब्याज दर से इसे कोई असर नहीं होगा। जितनी पेंशन आपकी निश्चित होगी, उतनी ही ये पेंशन देते रहेगा। इसे बैंक की ब्याज दर से कोई नहीं होगा। अब बात आती है इसे क्यों ले। जीवन यापन करने के लिए अनेक खर्चों की आवश्यकता होती है, और लगातार खर्चों में वृद्धि होती रहती है। इसलिए जीवन में अपने लगातार खर्चों की वृद्धि के लिए एक निश्चित आय बनाई जा सकती है। आपके सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार निरंतर आमदनी, सेवानिवृत्त, अगर आप रिटायर हो जाते हैं, आपको पैसा मिलता है, या आप रिटायर होने की उम्र में रहते हैं, तो आपको हमेशा के लिए निश्चित आमदनी प्राप्त हो जाती है। निश्चित गति जीवन पर्यांत तक आप निश्चित गति ले सकते हैं, साथ में अपनी पत्नी को भी समान पेंशन दिलवा सकते हैं। आज किए गए निवेश से उम्र भर की आय, अगर आप आज काम करने योग्य है, आप आज जमा कर सकते हैं, आप आज के बाद पैसे हैं, तो आप उम्र भर की अपनी एक आय बना सकते हैं। शादी की सालगिरह या जन्मदिन पर पत्नी को जीवन भर की आय का तोहफा भी दे सकते हैं। आपकी मान लीजिए शादी की सालगिरह उस दिन ले ली, तो आपको हर साल शादी की सालगिरह पर एक निश्चित आय आपके घर में आती रहेगी। इस पॉलिसी में खासियत दूसरी ये है कि इसमें लोन नहीं मिलेगा, एवं रिटायर उम्र के बाद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आप आज इस पॉलिसी में निवेश कर देते हैं, तब इसे आपको हमेशा ये निश्चित आय हमेशा देती रहेगी। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष की है, 50 वर्ष की उम्र है, और वो अपनी वार्षिक आय बनाना चाहता है, तो वो अगर इसमें 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन में से अगर वो ऑप्शन ए चुनता है, या एफ चुनता है, या जे 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 चुनता है, एफ एफ जे और ए, ये इसमें 10 ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अंतर्गत अगर एज तक जो ये अगर वो 50 लाख जमा करता है, तो उसे पूरे जीवन 4,07,250 रुपये पेंशन मिलेगी, और उसके बाद ये पैसा वापस नहीं होगा। उसके जीवित रहते हुए पूरा पेंशन चलती रहेगी वार्षिक। दूसरा, अगर वो ऑप्शन एफ लेता है तो उसकी जो 50 लाख जमा करा है, वो उसके नॉमिनी को वापस हो जाएंगे, और उसके जीवन में पूरी तरह पेंशन मिलेगी 3,47,050 रुपये। अगर वो ऑप्शन जे लेता है, तो 3,45,250 रुपये उसको पेंशन मिलती है। ऑप्शन जे में पति पत्नी दोनों को पेंशन मिलेगी, और
बाद में परचेस प्राइस नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर वो 1 करोड़ जमा करता है या 2 करोड़ जमा करता है, तो मान लो 1 करोड़ जमा करता है, ऑप्शन ए लेता है जिसमें उसको जीवन भर पेंशन मिले, तो 8,14,500 रुपए साल के वो पूरे जीवन ले सकता है। दूसरा ऑप्शन एफ, अगर इसमें वो अपने संयुक्त जीवन पर पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी वृत्ति धारक को जीवन काल में वृत्ति मिलती है, तदुपरांत क्रय राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाती है और ये राशि उसे 6,95,500 रुपए पूरे जीवन मिलेगी। और अगर एफ में वो 1 करोड़ का पॉलिसी लेता है तो उसे 6,90,500 रुपए साल के मिलेंगे और पति पत्नी दोनों को ही मिलेंगे इतने। और बाद में ये परचेस प्राइस, जो भी परचेस प्राइस करता है वो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, वो अपने उसको वापस कर दिया, नॉमिनी को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मान लो व्यक्ति 2 करोड़ का जमा करता है और ए ऑप्शन लेता है, तो उसके जीवन काल तक उसे इतना पैसा 16,29,000 रुपए साल का मिलते रहेगा और यह पैसा उसी के जीवन काल में मिलेगा, उसके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन एफ अगर लेता है वो, तो 13,91,000 उसको और उसकी पत्नी को पूरे जीवन मिलेगा, उसके बाद ये पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन जे लेता है अगर वो, तो पति पत्नी दोनों को संयुक्त जीवन में ये पैसा उसको जीवन भर प्राप्त होते रहेगा और साथ में जो उसकी परचेस प्राइस है उसकी नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। आज सन 1996 में बैंक का ब्याज, बैंक ब्याज दर 13% हुआ करती थी। उसके बाद 2000 में यही बैंक ब्याज दर 10.50% रह गई। आज 2014 में यह बैंक ब्याज दर घटके 7% रह गई है। लेकिन LIC जो आपको रिटर्न देगी इसमें बैंक ब्याज दर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये पूरे जीवन काल आपको प्राप्त होती रहेगी। इसमें जो पॉलिसी पहले की गई थी आज भी वो 12% तक रिटर्न दे रही है। जो लोग पेंशन ले रहे हैं जिन्होंने 1996 में ये पॉलिसी ली थी, आज तक वो पॉलिसी चालू है अगर, तो उसे 12% रिटर्न प्राप्त हो रहा है। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं नोटिफिकेशन घंटी दबाइए ताकि मैं अगला वीडियो जो भी आए आपको सर्वप्रथम मिले और नई नई पॉलिसी और नए ज्ञान के लिए आपको सबसे प्रथम सूचना पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।